हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हीमोग्राम टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, हीमोग्राम में कौन कौन से टेस्ट आते हैं और साथ ही इस टेस्ट के प्राइस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हीमोग्राम टेस्ट क्या होता है। हीमोग्राम टेस्ट एक प्रकार का रूटीन टेस्ट है। इस टेस्ट में सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट शामिल है। हीमोग्राम टेस्ट से कई सारी बीमारियों का पता चलता है, जैसे शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, सूजन है, खून की कमी है, कैंसर या ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। हीमोग्राम टेस्ट एक बेसिक टेस्ट है। ये टेस्ट डॉक्टर्स द्वारा मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले टेस्ट में से एक है। नंबर 2, हीमोग्राम टेस्ट क्यों कराया जाता है। इस टेस्ट को डॉक्टर्स इस प्रकार की समस्याओं में रिकमेंड करते हैं, जैसे कमजोरी महसूस होना, थकान, बुखार, वजन कम होना, अनीमिया, ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथीमिया आदि बीमारियों का पता लगाने के लिए भी इस टेस्ट को कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। नंबर 3, हीमोग्राम टेस्ट में आने वाले पैरामीटर्स जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सीबीसी में आने वाले पैरामीटर्स जैसे HB यानी हीमोग्लोबिन, TLC टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, DLC डिफरेंशियल काउंट, DLC में आने वाले टेस्ट जैसे पॉलीमॉर्फस, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आदि टेस्ट DLC में आते हैं। प्लेटलेट काउंट, RBC काउंट, RBC काउंट का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल काउंट होता है, PCV इसका फुल फॉर्म पैक्ड सेल वैल्यूम होता है, MCV MCV का फुल फॉर्म मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यूम होता है, MCH MCH का फुल फॉर्म मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है, MCHC MCHC का फुल फॉर्म मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है, RDW का फुल फॉर्म रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट होता है। ये सभी टेस्ट CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट में आते हैं। ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, पुरुषों में इसकी नॉर्मल वैल्यू less than 15 mm per hour के बीच में होती है, महिलाओं में इसकी नॉर्मल वैल्यू less than 20 mm per hour के बीच में होती है। नंबर 4, हीमोग्राम टेस्ट कैसे होता है। हीमोग्राम टेस्ट के लिए नॉर्मली ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है, जो पेशेंट के वेन से लिया जाता है। इस टेस्ट को सुबह खाली पेट करवाना अच्छा होता है। हीमोग्राम टेस्ट की रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगता है। हीमोग्राम टेस्ट की रिपोर्ट 4 से 5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है। नंबर 5, हीमोग्राम टेस्ट का प्राइस कितना होता है। हीमोग्राम टेस्ट का प्राइस 300 रुपीज़ से 500 रुपीज़ के बीच में होता है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।